सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। भाई रात तो मैं व्लॉग ही एंड नहीं कर पाया। लास्ट वाला आपने देखा होगा, मैंने ऐसे ही डाल दिया था कि हम तो भाई रस्ते में गुजर गए। रात को जाके कहीं 7-7:30 बजे जाके रूम मिला, हॉल मिला था। और उसके बाद से भाई पढ़ने के बाद जो नींद आई ना खतरनाक वाली, उसके बाद तो भाई कुछ पता ही नहीं रहा। सुबह उठे और सुबह का जो उठे के नज़ारा है ना यार, अमेजिंग लिटरली यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है। सामने इधर अपना हमारे पानी के झरने की आवाज़ आ रही है, और इधर आप देखोगे ना, इधर पूरा एक सुंदर वैली है। और यहाँ पे नीचे के साइड में हमारे भाई देखो ये खेत टाइप के हैं, और इधर देखो भाई क्या मस्त नज़ारा है, ये देखो। तो कुछ इस तरीके का स्टे था हमारा, ये हमारे हॉल से दो, काफ़ी अच्छा लगा और बढ़िया, मतलब किचन भी अच्छे है, बिल्कुल बढ़िया किचन लगी। सो भाई कुछ इस तरीके से अपना सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है। यहाँ पे भाई गोप्रो लगा हुआ है बढ़िया, और ये बढ़िया सा माइक लगा हुआ है इसमें। किसका है भाई ये? सुमित भाई का है क्या? फिर मिक्की भाई का? टिक्की ब्लॉग्स, हम दोनों। मॉर्निंग, ये भाई देखो क्या मस्त यहाँ से। तो लोकेशन देखो भाई, लोकेशन चेक कर लो, कमाल की वेदर यहाँ पे अभी तक हो रखा है। बार बार बादल आ रहे, धूप आ रही है, मस्त नज़ारा है यहाँ से यार। और ये DJI Osmo भी ट्राईपोड पे उस पर लगा हुआ है सीधा हमारा टाइम लैप्स। और ये देखो यार यहाँ से क्या मस्त खेत टाइप का बना रखा है यार, और सामने से पानी की झरने की आवाज़ आ रही है। और ये कुछ इस तरीके का रूम था, और यहाँ पे ना डोरमेट्री वाला हिसाब कर रहा है कि लास्ट टाइम पे रूम मिला नहीं था, तो इस तरीके से दो हॉल मिल गए थे अपन को। और देखो भाई किस तरीके से गंदे तरीके से फैला हुआ है भाई साहब। अब यहाँ से प्लान कर रहे हैं टाइगर फॉल्स, मोइला टॉप, जो जो चीज़ें कवर हो पाएंगी, जो जो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो पाएंगी। बाइक से जाएंगे हम सारे राइडर्स, और एक ये राइड ग्रुप राइड है ना, मज़ा आ गया यार इस राइड में। मतलब थोड़ा सा ना ट्रैवल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, बट यह है कि मज़ा आ गया। इधर देखो सन इधर से निकल रहा है, बट कभी बादल आ रहे हैं ना, तो कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी बढ़िया व्यू लगा। तो अभी के लिए चलते हैं और मोटर व्लॉग सेटिंग में मिलेंगे, कुछ रील वील शूट करते हैं। इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, हैंडल आपके नीचे आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और वो देख लेना, चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो का एंड तक देखना, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं, आई थिंक, मैं होप कर रहा हूँ। तो होप कर रहा हूँ तो आपको भी अच्छे से दिखाऊँ। सो चलो। देवांगरी होम स्टे का नाम है कोटेज का, बहुत ऊपर जाके बड़ी मुश्किल से मिला था। अब बाइक है देखो यहाँ पे किस फॉर्मेशन में लगा रखी है। देखो भाई ये अपनी GT स्टॉक वाली है, ये FZ हमारी जितनी भी बाइक आई थी, उधर हंटर है, इधर हमारी R1 310 है, सॉरी ये GT 650 मॉडिफाइड है, जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था, बट अभी भी हम उसको ले आए हैं। ये एक्सपल्स है भालू, ये R15 उधर है भाई हमारी एवेंजर, उधर है भाई रेडर। तो इस तरीके की क्या मस्त लग रही है यहाँ से, देखो भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है देखो बाइकों का। ये खड़ी भाई अपनी बाइक, और अब इसको कोल्ड स्टार्ट पे लगाते हैं, थोड़ी सी साफ करिए, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। कोल्ड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक बार में स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, एक बार में नहीं होती वैसे तो, सुबह सुबह में होती नहीं है, यहाँ तो ठंड है वैसे भी। हाँ एक बार में स्टार्ट हो गई भाई, देख रहे हो पल्सर N160 का जलवा, एक बार में स्टार्ट हो गई अपनी बाइक, ये देखो। सो भाई फाइनली अपने अपने रूम से निकल चुके हैं, अब सबसे पहले जा रहे हैं शायद मोइला टॉप, या तो अब चलते हैं सीधा। और व्यूज देखो भाई क्या कमाल के व्यू आ रहे हैं यार यहाँ पे, गजब शानदार व्यू एक नंबर का यार, ये देखो इधर। सामने अब जो है ना राइडर्स और पिलियंस एक साथ हो गए हैं, मतलब अपनी अब सारी बाइकें नहीं जा रही हैं, अब एक एक बाइकें जा रही हैं, तो एक बाइक पे दो राइडर्स हो गए हैं, सारी बाइकें नहीं जा रही है। नज़ारा यार अद्भुत है यार, मज़ा आ गया बिल्कुल। और ये X3 के शॉट, क्या गजब का व्यू है भाई, चेक कर लो, गजब मज़ा।
रास्ता देखो भाई कितना ज्यादा पतला है भाई, कितना खतरनाक रास्ता है, दो गाड़ियां निकल नहीं सकती, मतलब ये लगा लो अभी फंस गई थी यूपी 83 गाड़ी, लोकल लोकल होते हैं ना यहाँ के वो अच्छे से चला लेते हैं। ओ भाई क्या बढ़िया व्यू है, देखो पहाड़ रास्ते बना रहे हैं, देखो ये नीचे ये चलानी ही नहीं आ रही है। सो भाई ये है मोइला टॉप का रास्ता, यहाँ से ये देखो यहाँ से मोइला टॉप का, और व्यू देखो भाई यहाँ से शानदार पहाड़ी का व्यू जो आ रहा है ना, खतरनाक वाला, और ट्रैक तो असम है यार। ये देखो भाई इधर से देखो क्या मस्त नज़ारा है यहाँ पे सारा वैली में। अब यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, बाइकें भी जा रही हैं मोइला टॉप आने के लिए। अभी चलते हैं ट्रैक देखते कैसा है, जहाँ तक बाइक जाएगी वहाँ तक बाइक लेके जाएंगे, और जहाँ तक फिर उसके बाद पैदल जाएंगे, ट्रैक करेंगे मस्त सा, और देख के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसी लोकेशन होने वाली है। सो भाई मोइला टॉप जा रहे हैं अभी तो, और मोइला टॉप जाने के लिए हमें करना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर का ऑफ रोड। पहले तो लग रहा था कि पैदल जाएंगे, लेकिन अब गाड़ियाँ तक जा रही हैं तो हम बाइक तो फिर भी आराम से चली जाएंगी। तो आप देख सकते हो क्या खतरनाक ऑफ रोड ट्रैक है यार यहाँ पे, इधर पूरा जंगलों के पहाड़ों के बीच में से कटा हुआ है, और सारी बाइकें ना सारी तो आई नहीं है, एक राइडर हमारा थोड़ा तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आ पाए, राहुल भाई, और तो बाकी सारे राइडर आ गए पीछे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। व्यू देख रहे हो भाई गजब शानदार। तो भाई फाइनली ये है अपना ट्रैक स्टार्ट हो गया, रमन भाई भी हमारी ब्लॉगिंग करते जा रहे हैं अपने गोप्रो से, आज भी हमारा सस्ता गोप्रो भी है। अबे यार यहाँ नहीं चढ़ पाएगी बाइक, तो खतरनाक है यहाँ तो। अभी थोड़ा सा ट्रैक है मोइला टॉप ऊपर जाने के लिए, कितने किलोमीटर है रमन भाई? ओ भाई साहब 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, बाइक इधर पार्क कर दिए हैं, चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि कैसा रहता है यहाँ का मोइला टॉप, और कुछ इस तरीके का वेदर है भाई, ये चेक कर लो, और ये पीछे आ रहे हैं बहुत सारे बंदे हमारे, एक सबसे बड़ा बकचोद है, बाकी सारे काम के हैं। सो भाई ये कुछ इस तरीके का ट्रैक है, खतरनाक ऑफ रोड ट्रैक, मतलब बिल्कुल केदारनाथ जैसा फील आ रहा है। उसमें ये था कि उसमें प्लेन रास्ता था, इसमें ये है कि इसमें खड़ा मतलब पत्थर है सब रास्ते में, जैसे हम चाइना पीक गए थे ना उस टाइम पे, तो मैंने वीडियो डाली थी ब्लॉगिंग में, तो देखो भाई पेड़ ही पेड़, क्या शानदार व्यू है, खतरनाक एकदम। वो देखो वो आ रहे हैं हमारे कुछ बकचोद राइडर, ये देखो कैसे आ रहे हैं, मैं सबसे आगे हूँ भाई क्योंकि मुझे ट्रैक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, चाइना पिक कर चुके हैं, केदारनाथ कर चुके हैं, तो आइडिया रहता है कि कैसे चढ़ना है ऊपर जिससे थकेंगे भी नहीं और इशू भी नहीं आया कोई। ट्रैक देखो भाई, पत्थर देखो आप किस तरीके के हैं, ये इतना ही रास्ता है जो भी है, ये देखो बनाया। अरे यार हमारा शुभम भाई हमारे से सेकंड नंबर पे, और बाकी थकेले लोग सारे पीछे आ रहे हैं, हमारे एडमिन साहब सबसे आगे से चले थे और सबसे एंड में आ रहे ये चेक कर लो गाइस,
ये चेक करो ऊपर पत्थर, गजब के ऊपर तक ऐसा रोस्ता है। भाई जैसा कि लोग पहाड़ों में आते हैं ना और कूड़ा फैलाते हैं, बट ये मैम एक गजब का काम कर रही हैं। जितना भी इन्होंने बॉटल वोटल दिखी है ना वो यहाँ से उठा के लेके जाइए, तो एक अच्छी थिंग है। और फाइनली जिसके लिए हम ट्रैक कर रहे थे वो व्यू आ चुका है। ये देखो भाई गजब, यहाँ तो चटाई लाके भाई आराम से पिकनिक मना सकते हैं। ये देखो भाई व्यू, यहाँ तो ड्रोन का शॉट ही अलग आएगा। ये देखो भाई उधर, हम अलग अलग कोने में कहीं भी जा सकते हैं भाई इधर से, मतलब जिसको सेपरेट स्पेस चाहिए वो अपना आराम से ले सकता है। तो भाई यहाँ से चेक करो आप व्यू, वहाँ तक व्यू देखो भाई, ऊपर तक बंदे गए भाई। और इधर एक मंदिर, ये देखो भाई यहाँ से ओवरऑल व्यू तो पूरा यार 360 डिग्री है यहाँ पे तो। गजब, वहाँ तक देखो भाई पहाड़ी पहाड़। और ये बादल भाई, आसमान देखो यार गजब का नजर आ रहा है यार यहाँ से। ये देखो भाई बंदे कहाँ कहाँ तक गए हुए हैं। ये देखो भाई मंदिर से, ये दिख रहा भाई ये, और यहाँ पे एक मंदिर है ये बुद्धेर जी का मंदिर आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। बाकी इधर से वैली चेक करो यार, अमेजिंग वेदर है यार, मतलब लिटरली चाइना पीक नैनीताल से तो बहुत ही अलग है। मतलब पूरा ना मैदान है, देखो ये जो मैदान है ना ऊंचा नीचा पूरे 360 डिग्री हमारा यही है सारा मैदान। चेक करो आप, आज तो भाई बहुत ही गजब का व्यूज आ गया यार। ये देखो भाई वहां से आए थे भाई हम, वहां से वो मंदिर के सामने आपने ग्रुप फोटो देखी होगी ना, तो भाई ये देखो क्या मस्त लग रहा है यार यहाँ से यहाँ तक। ये देखो पूरा मैदानी इलाका सा लग रहा है, सारे यहाँ पे गाय भैंसे सब घोड़े सब अपना घास चर रहे हैं, मतलब अमेजिंग यार। ऐसी जगहों पे आना ना एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है यार। इधर भी देखो इतना कितना टॉप लग रहा है, ये देखो। मतलब अगर आप चक्राता आओ ना तो ये जगह जरूर आना यार, और अगर मॉर्निंग में आ गए ना आप सूरज उगने से पहले पहले तो भाई लिटरली आपको जो सूरज है ना आपके सिर के ऊपर दिखेगा, और उगता हुआ जो अलग दिखेगा ना वो अलग लेवल होगा उसका, क्योंकि देखो अभी देखो कितना मस्त है। तो यहाँ पे भाई कैंपिंग, और ये भाई यहाँ पे मैगी बना रहे हैं, देखो मैगी का सामान आया हुआ भगोना सब तेल चटाई सब, तो यहीं पे पिकनिक हो गया भाई, सबसे बढ़िया जुगाड़ है। ये देखो भाई कहाँ से कहाँ जा रहे हैं यार हम, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर। ओ भाई ये देखो यहाँ तो पत्थर पत्थर भी गिरे हैं भाई ऊपर से। भाई जाने का प्लान तो और कहीं भी है हमारा टाइगर फॉल, बट यार
आप व्यू चेक करो, वो देखो बादल किस तरीके से बादल आ रहे हैं और इधर से इधर उठ रहा है यार, क्या मस्त। और वहां से आए थे हम और देखो पूरा टॉप पे हम, और इधर से वैली चेक करो यार, अमेजिंग यार, काफी अच्छा लग रहा है यार। सबसे ऊंचे पे हम यहाँ पे आ गए हैं, बाकी ग्रुप तो यार थक गया है, मतलब और कोई नहीं आया हमारे ग्रुप से, सिर्फ एक ही हमारे रघु भाई आ गए यहाँ पे। रघु भाई ऊपर चढ़ते चढ़ते बढ़िया अमेजिंग व्यू ले रहे हैं, बाकी सारे राइडर्स नीचे ही हैं क्योंकि उनको बाइक चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है पर ट्रैकिंग करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता आई थिंक। और भाई यहाँ से व्यू चेक करो यार, गजब का व्यू है यार, ये देख रहे हो पीछे मेरे, एकदम मज़ा आ रहा है यार, एकदम अमेजिंग, मतलब ऐसा फील होगा ना आपको यार आप कहाँ आ गए हो, अलग ही लेवल का मज़ा है। क्या बढ़िया है ना यार ये पूरा व्यू है ना, इस व्यू के लिए आए थे हम यहाँ पे इतनी दूर चलने के लिए, और ये व्यू मिला है ना तो अब ऐसा लग रहा है कि अब और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। और ट्राई करेंगे टाइम से निकल जाएँ, 2 बजने वाले हैं, 1:18 हुए अभी, तो आधा घंटा और यहाँ पे रुकते हैं। और बादल यार कैसे चल रहे हैं ना, अमेजिंग इस तरीके से। देखो भाई व्लॉगिंग करने का नया तरीका रमन भाई ने ईजाद किया है, अगर आप पहाड़ों पे ज़्यादा थक जाओ तो ऐसे व्लॉगिंग भी हो सकती है। ये हमारे सुमित भाई बैठे इधर, नई तरीके से व्लॉगिंग हो रही है इधर, और अभी तो उस टॉप पे भी जा सकते हैं बट इतनी हिम्मत बची नहीं कि उस टॉप पे जाएं। और यहाँ तो बराबर ही है, हम टॉप पे ही है, हम जहाँ पे है ना वो टॉप ही है। हाँ और भाई उधर देखो बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, अगर दिख पा रहा हो ना भाई बहुत ऊंचे ऊंचे भाई, जिस पीक पे हम लोग बहुत ऊंचे, बहुत ही हाई मतलब पॉइंट है यहाँ का। और पहाड़ यहाँ से ऐसा लग रहा है बस कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पे लिटरली रोड बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, वहाँ दूर दूर से छोटे छोटे दिख रहे हैं, मतलब तो भाई फाइनली यहाँ से अब निकलते हैं, राइडर सारे राइडर्स तैयार। तो मोइला टॉप अगर आप नहीं आए ना चक्राता आके, तो मोइला टॉप से अगर आप नहीं आए ना चक्राता आके तो भाई आप कुछ नहीं घूमे। एक फेमस जगह और है वो है टाइगर फॉल, तो वहाँ पे भी हम जाने का प्लान कर रहे हैं अगर टाइम रह गया कल तो, अदरवाइज मिस करना पड़ेगा इस बार। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले कुछ खाते पीते हैं क्योंकि कल भी हमने दोपहर में लंच नहीं किया, चलने चलने में रह गए, और आज भी हमने ऐसा कोई खास अभी तक कुछ खाया नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे खाए थे। अब देखते हैं कुछ खाते हैं फिर उसके बाद देखेंगे यार कहाँ जाने का प्लान है। एक जगह और है चिरमिरी टॉप यहाँ पे, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं पर वहाँ पे मार्केट मार्केट ही है ऐसा बता रहे हैं लाउड भाई हमारे, क्योंकि वो पहले आए हुए हैं इसलिए। बाकी तो पूरा ऑफ रोड है भाई, यहाँ से यहाँ तक का गंदा वाला ऑफ रोड है, मतलब हमारी बाइक के अकॉर्डिंग तो गंदा ही लगेगा हमें, बाकी एक्सपर्ट्स वगैरह तो अच्छे खासे आ जाती है। भाई देखो जब आए थे कितना क्लियर मौसम था, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा यार, मतलब अलग ही लेवल का, यहाँ तो कब मौसम बदल गया कुछ पता नहीं है। ये देखो जैसे फॉग उड़ उड़ के आ रहा है बार बार, और ठंड इतनी बढ़ गई ना अब यहाँ पे, बट मज़ा आ रहा है भाई राइड में तो बिल्कुल मज़ा, इसे बोलते हैं ना बढ़िया वाली वाइब्स। सो भाई यहाँ पहुँच गए चिरमिरी टॉप, और अभी ये इस तरीके की मार्केट है, आए तो थे हम खाना खाने, ढूंढो चलो आए तो थे खाना खाने, लेकिन पहले सोचा चिरमिरी टॉप ही कर लें और मार्केट के कुछ रिएक्शन रिकॉर्ड कर लें। अरे भैया बच्चे डर जा रहे, रो जा रहे तुम्हारी आवाज से, ठीक है इसे बंद कर लो। सो भाई ये है कोई चिरमिरी टॉप की मार्केट, और यहाँ से अभी हम आए थे भाई अपना लंच करने जो कि हुआ है हमारा 6:20 पे, और
अब निकलते वापस भाई, मेरे लिए आज भी अंधेरा हो गया है, कहने की आज भी हमें पहाड़ पे जो चढ़ना पड़ेगा ना, अंधेरे में ही चढ़ना पड़ेगा। चलो आज की रात और चक्राता में गुजारेंगे, उसके बाद तो भाई कल निकलना है। टाइगर फॉल तो नहीं हो पाए हम, देखते हैं सुबह अगर जाने का प्लान हुआ इन लोगों का तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे टाइगर फॉल। सो भाई जैसा कि कल वाले वीडियो में देखा होगा आपने, कल वाले वीडियो में भाई रात भर हमने पहाड़ों में राइड करी थी, और आज भी वही सीन हो गया है, क्योंकि हम गए थे इधर अपना खाना खाने बाहर चिलमिली टॉप, लेकिन वहाँ तक जाते जाते थे भाई इतना ट्रैफिक हो गया ना, तो उस वजह से ना हम जा नहीं पाए मेन जगह पे जहाँ पे जाना था, बट वहाँ पे खाना वाना खाया, मार्केट वार्केट के शॉर्ट्स निकाले तो दो चार जो कि आपने देखे होंगे। अब बाकी अब राइडर्स पेट्रोल भराने के लिए दूसरे पेट्रोल पंप पे गए हैं, तो उनको छोड़ के अब हम आए हैं। 5-6 राइडर्स आगे आपको दिख रहे होंगे, रेडर जा रही है आगे और एक हमारी एवेंजर जा रही है, राहुल भाई हैं उस पर। तो अभी वापस जा रहे भाई जहाँ पे हमने स्टे लिया हुआ है आज रात के लिए, और कल सुबह वहाँ से निकलेंगे। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा है, लेकिन ग्रुप के साथ राइड करना ना एक इशू भी आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी के साथ चलना पड़ेगा ना, तो ये आता है कि भाई कोई इधर उधर जा रहा है, कोई इधर उधर, इस चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। चलो बाकी कोई नहीं, बाकी तो मज़ा बहुत आया आज, मोहिला टॉप वगैरह जो भी है ना, वो मस्त व्यूज़ वहाँ के नज़ारे लिए, कुछ इन्जॉय करे वहाँ के पल और कुछ राइड के पल इन्जॉय करे अब, और अभी तो भाई नाइट राइड इन्जॉय कर रहे हैं अपनी बाइक के साथ, और राइडर्स तो हैं अपने साथ, बट ये है कि हम अकेले नहीं जा रहे कहीं भी, जैसे हम चाहते तो अकेले भी जा सकते थे, जैसे रोहित में चले जाते, लेकिन वही है ना ग्रुप में राइड करोगे वैसे कोई दिक्कत आती है ना, तो बैकअप रहता है साथ में फिर। बाकी नाइट राइड तो अवॉइड ही करनी चाहिए पहाड़ों में जितनी भी हिल एरिया है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख पाता भाई, विजिबिलिटी जीरो होती है, और जब मोड़ आता है ना बिल्कुल मोड़ पे दिखता है, मतलब मोड़ है। और अभी तो यहाँ पे देखो रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन आगे जब जाएंगे ना वहाँ पे बहुत ही गंदा ऑफ रोड टाइप का रोड है, तो उसमें तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी रात भी चलाने में, और अब भी उसी टाइम जाएंगे, आज तो और भी लेट हो जाएंगे मेरे हिसाब से, तो आज और ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आज बहुत सारे मस्ती करी है, घूमे फिरे ज़्यादा हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा, और भाई कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो पे लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट करके बता देना कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ ऐसी अमेजिंग लॉन्ग राइड्स आपको मिलती रहेंगी आने वाले फ्यूचर्स में। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग व्लॉग्स में, कुछ मोटो व्लॉग्स में और कुछ ऐसी वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।